नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। सावरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, लड्डू गोपाल, माता रानी और लक्ष्मी गणेश के लिए यह प्यारी सी सिंहासन आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। यह देखिए, मैंने थर्माकोल लिया है, 7 इंच पे मैंने कट कर लिया है। चारों दोनों तरफ मेरा 7 इंच है, लंबाई चौड़ाई दोनों, और आपस में इस तरीके से चिपका लिया है। और एक कपड़ा मैंने लिया है, देखिए, और इसको मैं यहाँ साइड साइड से कट करके चिपका लेंगे। दोस्तों, यहाँ वीडियो में रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, लेकिन अंदर में मैं फोम भी लगाई हूँ, तो आप फोम लगा लीजिएगा कि बैठने में अच्छा रहता है, क्योंकि डायरेक्ट इस पे थर्माकोल पे हम लोग नहीं बैठाते। तो फोम मैंने 2 लेयर का डाला है, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई इसलिए। और इस तरीके से आप चारों तरफ से इसको चिपका लेंगे। और ये देखिए, मैंने फाइल लिया है। इसी तरह कोई भी आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं और गोल इस तरीके से कट कर लीजिए, और एक छोटा प्लेट लेके बीच से भी कट कर लीजिए। देखिए, पहले इसको कट कर लेंगे, फिर एक छोटा निशान लगाएंगे छोटे प्लेट से, फिर उसको भी कट करेंगे। और ये देखिए, हमारी कट होके तैयार हो गई। इसी के अकॉर्डिंग हमको कपड़ा भी लेना है, और कपड़ा को इस तरीके से किनारे किनारे से कट कर देंगे कि चिपकाने में आसानी होती है। और देखिए, इस तरीके से सारे चारों तरफ हमें कट करके ग्लू गन से चिपका दे रही हूँ। कट करने से बहुत ही आसानी तरीके से चिपक जाती है, दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे मैंने चिपका दी और नेट के अंदर इसको डाला है, देखिए, और चारों तरफ से कट करके निकाल लेंगे, नाप लेंगे। थोड़ा थोड़ा बड़ा रखना है कि हमको फोल्ड करने में आराम रहे। तो देखिए, अब इसको हम ग्लू गन से की सहायता से इसको चिपकाएंगे। और देखिए, इसी तरह मोड़ मोड़ के चारों तरफ से हम इसको चिपका देंगे। ऐसे डायरेक्ट अगर करते तो बीच में सिलवटें आ जाती, तो इस तरीके से आप चिपकाएंगे तो बीच में सिलवटें नहीं आएंगी। आप चाहे तो इसके बाद आप इसी तरह गोल कट करके कपड़ा लगा करके इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे यह नेट दिखे ना। और हाथ संभाल के करिए, ग्लू गन काफ़ी गर्म होता है, तो आप किसी चीज़ से की सहायता से ही करें डायरेक्ट, क्योंकि नेट है तो हाथ में काफ़ी बार लग जाता है, तो इसका ध्यान दें। आइए, देखिए, मैंने ग्लिटर सीट ली है और इसको पत्ती के आकार में हमको कट करना है। आप चाहे तो पेन या पेंसिल से किसी से निशान लगा के फिर कट करें, और थोड़ा सा नीचे में कट करके इस तरीके से हमको मोड़ के फिर कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह हमने सारी बहुत सारी पत्तियाँ बनाए रखी हैं, और इस तरीके से देखिए बहुत ही सुंदर लगती है। अब इस पर मैं पत्तियों से सजाऊंगी। और यहाँ मैंने जो मार्केट में फोम छोटे छोटे मिलते हैं वही वाला यूज किया है, वह मैं लेके इसी से डेकोरेट करूँगी। देखिए, ब्लू कलर का फोम लिया है मैंने, और यह मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लिया है, आर्टिफिशियल पत्ती भी है। इसी को दोनों को ऐड करके ही मैं बहुत ही सिंपल में आपको बता रही हूँ कि आपके मार्केट में आराम से मिल जाए, और घर में जो वस्तुएं पड़ी हैं उससे आप बना ले सिंहासन।
यहाँ पर दोस्तों आप चाहे तो नेट की जगह बीच में मोतियों की लरी भी लगा सकते हैं, वह भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और देखिए नीचे के साइड में मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंहासन में चिपकाना है, तो सिंहासन में इस तरह से गोंद लगा के इसको इस तरीके से चिपका के अच्छे तरीके से पकड़े रहेंगे, क्योंकि तुरंत छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगी। अच्छे से ग्लू सूख जाए तो आप इस तरीके से चिपका लें। और ये देखिए जो फोम बचे थे उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और ये तकिए में मैं भरूँगी। देखिए तीन तरफ से मैंने सिलाई कर ली है, उसी में भर के मैं फिर इस पे सिलाई कर लूँगी। आप सुई धागा से भी सिलाई कर सकते हैं या चिपका भी सकते हैं। चिपकाया हुआ मैं अभी तुरंत आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसमें सुई धागे से सिलाई कर लूँगी। तो मेरे पास यही फ़ोटो थी तो मैंने माता रानी की रख दी। आप लड्डू गोपाल और माता रानी गणेश जी की जिसकी भी बनानी है आप बनाइएगा। राधे।